अभी अभी भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। इस कामयाबी को हासिल करने में रशिया ने 22 अटेम्प्ट्स, यूएसए ने 20 अटेम्प्ट्स और चाइना ने 4 अटेम्प्ट्स लगाए हैं। इन देशों के साथ भारत ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिशन शक्ति से सैटेलाइट डिस्ट्रॉय किया, इसीलिए हम सब भारतवासी इसरो के वैज्ञानिकों को अभिनंदन करते हैं। अब मिशन शक्ति के बाद फिर एक बार भारत अपनी शक्ति और काबिलियत पूरी दुनिया को दिखाने जा रहा है। इस बार हम चांद की सैर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 2 के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं चंद्रयान 2 के बारे में आज के इस क्लिप फ्लिप एपिसोड में। आपको याद होगा कि 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान 1 चांद पर उतारकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था। इसी मिशन के तहत चांद पर पानी होने की जानकारी हमारे चंद्रयान 1 मिशन ने ही दुनिया को दी थी। इस बार फिर इसरो द्वारा विकसित मिशन को चंद्रमा पर GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च करने की योजना कर रहा है। चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 के बाद भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। इसमें एक चंद्र ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल है जो भारत द्वारा विकसित किए गए हैं। इसरो के अनुसार यह मिशन विभिन्न नई टेक्नोलॉजी का उपयोग और नए प्रयोग करेगा। पहियेदार रोवर चंद्र सतह पर आगे बढ़ेगा और साइट पर रासायनिक विश्लेषण के लिए मिट्टी या चट्टान के नमूने लेगा। डेटा को ऑर्बिटर के जरिए धरती पर भेजा जाएगा। 12 नवंबर 2007 को रूस की रोस्कोस्मोस एजेंसी के साथ हमारे इसरो ने एक प्रोजेक्ट साइन किया। इस प्रोजेक्ट का नाम चंद्रयान 2 रखा गया। इस प्रोजेक्ट में इसरो के पास ऑर्बिटर और रोवर बनाने की जिम्मेदारी थी, तो रूस के साइंस एजेंसी रोस्कोस्मोस के पास लैंडर बनाने की जिम्मेदारी थी। अंतरिक्ष शिल्प का डिजाइन अगस्त 2009 में पूरा हुआ, परंतु रूस ने लैंडर बनाने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो लैंडर बनाने की भी अब जिम्मेदारी इंडियन इसरो पर ही आ पड़ी। पर इंडियन साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत करके ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर बना लिया, तो इसी तरह चंद्रयान 2 पूरी तरह से स्वदेशी है। तो चलिए जानते हैं ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर कैसे काम करेगा। ऑर्बिटर 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। लैंडर रोवर को तैनात करने के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडर को विक्रम नाम दिया गया है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अग्रणी और इसरो के पूर्व अध्यक्ष माननीय विक्रम साराभाई के लिए एक श्रद्धांजलि है। विक्रम लैंडर का वजन 1471 किलोग्राम है, जिसमें 27 किलोग्राम रोवर भी शामिल है। रोवर सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला 6 पहियों वाला वाहन है, जिसका वजन लगभग 27 किलोग्राम होगा। रोवर चांद के सतह पर पहियों पे आगे बढ़ेगा, मिट्टी या चट्टानों के नमूने उठाएगा, साइट पर रासायनिक विश्लेषण करेगा और ऑर्बिटर द्वारा पृथ्वी पर डेटा भेजा जाएगा। ऑर्बिटर में एक पेलोड होगा, उसके साथ में एक मैपिंग कैमरा, एक स्पेक्ट्रोमीटर, एक अपर्चर रडार, एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, रेडियो, एक एक्सरे मॉनिटर शामिल होंगे। हमारे मिशन चंद्रयान 2 का प्राथमिक उद्देश्य सॉफ्ट लैंड की क्षमता का प्रदर्शन करना है, चांद पर प्रयोगों का संचालन करना और चांद के दक्षिण ध्रुव पर एक रोवर रखकर पृथ्वी पर महत्वपूर्ण जानकारी को वापस करना होगा। इस मिशन की लागत लगभग 800 करोड़ रुपए है। हम चंद्रयान 2 को चंद्रयान 1 का अपडेटेड वर्जन भी कह सकते हैं। अब दक्षिणी ध्रुव ही क्यों चुना गया? चांद का दक्षिणी ध्रुव रहस्यमय है और पूरी तरह से अस्पष्ट है। दक्षिणी ध्रुव को एक खनिज समृद्ध क्षेत्र के रूप में अनुमान लगाया जाता है, जो भविष्य में खोजकर्ताओं के लिए और यहां तक कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। केवल अमेरिका, रूस और चीन चंद्र सतह पर अंतरिक्ष यान को सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम है। यदि भारत सफल होता है तो यह अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जिसका बजट अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से लगभग 20 गुना कम है। अमेरिका के टेक्सास में आयोजित लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस के दौरान नासा ने डिक्लेयर किया कि चंद्रयान 2 नासा के लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर को चांद पर ले जाएगा। मिशन की जटिलता के कारण चंद्रयान 2 के लॉन्च की तारीख पहले ही 2 बार टाल दी गई थी और अब इसे मई में शेड्यूल किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ये लॉन्च कोई विलंब बिना पूरा हो जाए। हाय गाइस, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।